Hey guys, welcome to the Hapiness Cocktail. So this video I will talk about the things you need to know if you planning to book a ferry from Phuket. So actually kya hota hai ki from Phuket to Krabi or on. So actually kya hai ki हम लोगों का ऐसा प्लान बना कि हम लोग चार रातें जो है फुकेट में बिताएंगे और फिर चार रातें जो है क्राबी में बिताएंगे. ऐसा हमारा प्लान था. फिर जैसे हम लोगों ने टिकट विकेट बुक की तो पता चला कि क्राबी में जो ऑनऑल करके जो एरिया है वो मतलब ज़्यादा हैपनिंग है. हैपनिंग yes, yes, मतलब वो बीच के ज़्यादा करीब है, उसका बीच जो है ज़्यादा अच्छा है और इट इज़ अ बेटर प्लेस देन क्राबी टाउन. क्राबी एक्वा मरीन ओके. सो वी आर स्टेइंग हियर एंड यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में 1 किलोमीटर दूर बीच है. बहुत ही शानदार बीच है. क्राउड बिल्कुल भी नहीं है जबकि इतने सारे लोग हैं. और वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर दैट पूरा कंटिन्यूस में मतलब लाइक 6-7 किलोमीटर्स में पूरे रिसोर्ट है. लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड मतलब मैंने आज तक ऐसी जगह नहीं देखी जहाँ इतने सारे रिसोर्ट और रेस्टोरेंट. यस, बैक टू बैक गाइस. इन फ्रंट में एक अलग रिसोर्ट, यहाँ एक अलग रिसोर्ट, तो दिस इज वेरी नाइस प्लेस. और इसके बैक में ही हमारा प्लान ये था कि हम लोग चार रातें फुकेट में बिताएंगे और चार रातें क्राबी में बिताएंगे. तो हमने देखा कि भाई आओनाम का बढ़िया एरिया है तो अपन आओनाम में अपने बुक कर लिया. बट अगर आप सर्च करें फुकेट से अगर आपको क्राबी जाना है, हम लोगों ने साइट यूज की phuketferry.com, तो उसमें अगर आपको फुकेट से क्राबी जाना है वाया फेरी, तो अब इसमें दो चीज़ें हैं. या तो आप यू नो आप मिनी वैन के या बस के थ्रू जा सकते हैं. बस से आपको शायद महंगा पड़ेगा. हम लोगों ने चेक भी नहीं किया, हम लोगों ने रिव्यूज़ पढ़े, वहाँ पे बताया गया कि ये महंगा पड़ेगा तो हमने उसको ट्राई नहीं किया. और फिर हमको पता चला कि हमको फेरी से जाना है, डिसाइड हो गया. तो अब जब अगर टाइप करोगे अगर आपको फुकेट से क्राबी जाना है, क्योंकि हम सोच रहे थे कि क्राबी आउटडाउन तो लगा हुआ है और हमारा होटल भी क्राबी में ही, हमने ऐसा सोचा जबकि हम लोगों ने आउटडाउन में बुक किया था. तो बुक देख रहे हैं तो उसमें बता रहा है कि 800 भाट्स लग रहे हैं पर 800 टू 1000 भाट लग रहे हैं एक पर्सन के. उसमें भी ऐसा था कि आप 8:30 को बैठेंगे, दो घंटे के बाद आप फिफी एयरलाइन पहुंचेंगे, फिर चार घंटे वेट करोगे, उसके बाद सुबह शाम को 4:30 बजे फिफी से आप निकलोगे और 5:30 बजे आप क्राबी पहुंचोगे. उसके बाद क्राबी से ऑन ऑन का देर इज़ अगेन 15 टू 20 किलोमीटर्स है. उसका देर इज़ नो शेयर्ड मिनी वैन, यू हैव टू टेक योर ओन पर्सनल टैक्सी. उस टैक्सी का वो लोग 700 Thai baht चार्ज कर लेते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक अ एयरपोर्ट एक्सपीरियंस. मतलब 800 रुपये आप स्पेंड कर रहे हैं फेरी में और 700 रुपये स्पेंड कर रहे हैं क्राबी से ऑनंग अपने उसमें आने में. तो भाई मेरे को तो फिर मेरे को लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ. मतलब थाईलैंड इज़ अ वेरी चीप कंट्री, मतलब यहाँ पर बहुत चीज़ें बहुत सस्ते में हो जाती हैं. तो फिर मैंने जस्ट यू नो थोड़ा सा नक्शा खोला और देखा कि समझने की कोशिश की कि मतलब कैसा है कर करके. तो फिर मैंने देखा कि वहाँ पे मतलब क्राबी से जहाँ आउनांग मेरे को जाना है तो आउनांग का भी एक डायरेक्ट स्टेशन है. मतलब आप अगर आपको फुकेट से डायरेक्ट क्राबी की जगह आउनांग आना है तो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन. और आउनांग के पियर से, आउनांग का जो बंदरगाह है, आउनांग का जो पोर्ट है, वहाँ से मेरा जो रिजॉर्ट था इट इज़ जस्ट 1.3 किलोमीटर्स. सो मैंने सीधा टाइप किया फुकेट टू आउनांग इंस्टेड ऑफ टाइपिंग फुकेट टू क्राबी और आई सी दिस इज ओनली 800 baht एंड दिट इज़ अ डायरेक्ट. मतलब अगर आप फुकेट में 8:30 बजे बैठ रहे हैं तो 10:30 को आप आउनांग, 11 बजे आप अपने होटल में बस लिमका पी रहे हैं. सो दिस इज़ द व्हाट द एक्सपीरियंस आई हैव. सो अगर आप क्राबी आ रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपना एड्रेस चेक कीजिए कि आप कहाँ पर आ रहे हैं क्राबी में. अगर आप आउनांग आ रहे हैं सो टेक योर आउनांग फेरी. If you are coming to Krabi, check your Krabi में मतलब Krabi town में अगर आपका है तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि आप इसमें considerable amount of money आपको save करना, क्योंकि private taxis are costly है. So this information I try to look in much more videos. मतलब कहीं पे किसी ने नहीं बताया था कि कैसा कर रहे हैं. सब बोले कि Krabi चले जाओ, ऐसा होता है, 4 घंटे वेट करना है. बट आई थिंक Phuket to Aonang, Krabi, only 2 hours, that's it. So and only 800 baht per person. So that is awesome. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद आवर फेरी एक्सपीरियंस नाउ. और इस वीडियो में मैं आपको अपना रूम टूर भी दिखाने वाली हूँ क्राबी में, जहाँ हम रुके हैं वहाँ पर. और अगर आपने मेरा फुकेट सीरीज अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको बोलूँगी उसे ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि थाईलैंड वीज़ा प्रोसेस जो कि बहुत अलग था यहाँ पर उसके बारे में. और श्याम निरामत शो, फीफी आइलैंड, बांग्ला स्ट्रीट मैंने कवर किया है, बुक बुद्धा, उस सारे वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा जाके अगर आप थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो. और नहीं भी कर रहे हैं तो भी देखिएगा, इट विल बी रियली नाइस ऑफ
ऑफ यू गाइज. एंड अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ज्वाइन माई फैमिली विदाउट एनी फर्दर अडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो. It's a AC one, yeah. And we have a small TV as well where match is going on. Okay, we have one more floor up as well. And we got oven visit. You look, you welcome body on this board on our princess. But now you're on our night princess, our board number three. The first you have, so you still have a sticker with you, right? Have a look. Of course, you have a different color. Means you got different places to go. First we'd like to ask you, anyone who got sticker to PP Island? No one, right? That's good. Here's our board without PP Island. We're making sure. You want the right board? Okay, I got the pink one, Ao Nang. Purple one is Redday. The green one is Lanta Island. And the VIP one, like me. First we're gonna take you to Ao Nang Beach directly. 1 hour and 40 minutes from here. Your footprints next to mine. Sure as the waves and the sands are washing. Krabi, and this is our resort. Looks like aqua marine resort, and this is the place. As of now, Krabi is looking very small, town kind of. But dekhte hain hum, thoda explore karenge jaldi. We have some small restaurant is there. This is the reception. But welcome train. We are going to our room, let's see. Okay, single room we have, like we have on our Maldives trip. So it's like that only. Oh, look at swimming pool. Yeah. Can't wait to go there. All of the employees here are female. That's pretty good, no? The entrance of our room. Anyone is there? Uh-huh. Hey guys, welcome to the Hapiness Cocktail. Look, so, who is giving a room tour today? Oh, thank you, darling. So the best part about our dinner is it is very near to Ao Nang Beach. It is almost 1 kilometer, and also the room is very spacious because after the journey of four days in the Phuket is kind of big city as compared to Krabi. So it is like a small village, and you can see the size, with the size of the room, it is very enormous. At the same time, all the basic facilities what you get in a resort, you get here. So here is your sitting arrangement. There is a sofa set and all. You have a contact number, you can directly reach to the reception. And you have a proper bed. You have a dressing table here and a big TV. I have to just check whether it has the HDMI cable. Because if you get the HDMI table, you can directly connect your laptop to TV. You can. And this thing I really like very much. This I did not get in most of the hotels. Means they are covering useful information inside your resort and outside your resort. So this thing was missing in the Phuket Marina. So we got it here. And here you can see, you have a very big cupboard. I think we can accommodate most of our clothes here. And this is a small kitchen.
You have a water boiler and a tea and coffee maker. And I guess there are some hot drinks also there. And this is the mini bar that you have here. And now the most important one. The bathtub. Bathtub. It's a very nice bathtub. But at the same time, what I feel is... And this is the bird. Thank you guys, thank you for watching this video, and please do let me know if you have more queries, more concern about, you know, how to book, or any queries about the Phuket ferry or Phuket to Krabi, how we can travel. So you can ask me question in the YouTube section, as well as we would really love that if you can share this video to the dear ones who want to travel or who are trying to travel to the Thailand or Krabi or Phuket. So yeah, that's it. Thank you guys. Thank you. Thanks for a lot. Please subscribe and join our family. I'll see you on next video. Till then, take care of yourselves. Bye-bye. Bye-bye.